हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एग्जॉस्ट फैन के रिवर्स कनेक्शन करेंगे। रिवर्स कनेक्शन इसलिए करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा एग्जॉस्ट फैन है, अभी जो इसका एयर फ्लो है, यानी कि एयर इधर से दे रहा है, इस साइड से एयर का फ्लो है इसका, हमको क्या है बैक साइड में इसका एयर फ्लो चाहिए। जब हम इसको ऑन करेंगे तो इसको पीछे की तरफ हवा फेंक के, इसलिए हम इसको रिवर्स कनेक्शन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अब हम ऑन कर रहे हैं तो इसका जो एयर फ्लो है वो सामने की तरफ है। ये कपड़ा लगाया, ये देखिए फ्रेंड्स, अभी जो एयर फ्लो है इसका सामने की तरफ है और हमको क्या है इसकी बैक साइड में एयर फ्लो चाहिए। जो एयर है अभी इधर फेंक रहा है वो इस साइड फेंकना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग सोचोगे कि इसकी जो ये ब्लेड है इनको हम चेंज कर दें, यानी कि उल्टा लगा दें, तो ये हवा का जो एयर फ्लो है वो उल्टा हो जाएगा। तो वो हम पहले करके देख लेते हैं। उसके लिए हम जो ये ब्लेड है इनको खोल लेते हैं। ये फ्रेंड्स, हमने ब्लेड खोल लिए और अब इनको उल्टा लगा लेते हैं। ये घुमा करके लगा देते हैं। और इसका जो बोल्ट है उसको टाइट कर देंगे। ये ब्लेड चेंज करने के बाद फ्रेंड्स, इसको अब हम ऑन करके देख लेते कि हमारा जो हवा है वो पीछे की साइड देने लगे या नहीं। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने इसको ऑन किया है, अभी देखिए जो इसका हवा है वो न तो इधर फेंक रहा है, मतलब बिल्कुल ही बहुत ही कम हवा फेंक रहा है। ये देखिए, ये कपड़ा यहीं की यहीं लटक रहा है, इतना खास हवा का प्रेशर नहीं है। और बैक साइड में भी अभी हम देख लेते हैं इसको, ये बैक साइड में तो बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। ये देखिए, बैक साइड में तो बिल्कुल ही भी नहीं आया। अब हम इसको बंद कर देते हैं। ये फ्रेंड्स, हमने इसके ब्लेड चेंज करके हमने इसका जो हवा का प्रेशर है वो देखा कि किधर दे रहा है, ये हवा जो फेंक रहा है वो किधर फेंक रहा है। अभी ब्लेड को उल्टा लगाने से ये किसी भी साइड में हवा नहीं फेंक रहा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये ब्लेड हमको उल्टे लगा देने हैं। उसके बाद ये जो एग्जॉस्ट फैन है इसका बैक कवर खोल लेना, ये वाला मोटर के पीछे का। इसमें एक स्क्रू हमने लगा के रखे है, बाकी सारे खोल दिए हैं। इसको खोल के दिखाने के लिए फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स, ये इसका जो टर्मिनल बॉक्स है वो हमने खोल लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो वाइंडिंग से चार वायर आई हैं, जिसमें से दो को बना दिया कॉमन। ये ब्लैक वाली वायर जो कनेक्ट है ये कॉमन है, ये दो वायर एक साथ कनेक्ट करके स्टार्टिंग और रनिंग वाली एक एक वायर वो कॉमन बना दी है। और दो वायर है, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग वाली, जिसमें से जो रेड कलर की वायर है वो रनिंग वायर है, वाइट कलर वाली वायर जो है वो स्टार्टिंग वायर है। हमको क्या करना है, ये जो ब्लेड है इनको चेंज करके इसकी स्टार्टिंग रनिंग वाली वायर जो लगा रखी है वो चेंज कर देनी है। अभी रनिंग वाली वायर में फेज दे रखा है फ्रेंड्स, ये जो इनपुट फेज वाली वायर ये है, ये वायर लगी है और ये आउटपुट है जो मोटर में गई है। हमको ये वाली जो कनेक्शन है यहाँ से खोल लेने हैं, ये खोल लेंगे यहाँ से, और इसकी जगह
जो स्टार्टिंग वाली डमी पॉइंट में लगी है इसको खोल करके ये फेज वाले में लगा देते हैं, जो इनपुट फेज आएगा ये इनपुट फेज है, आउटपुट में ये जो स्टार्टिंग वाली है ये लगा देते हैं। और ये जो रनिंग हुआ हमने खोली है ये वाली सेंटर में डमी पॉइंट में यहाँ लगा देंगे इसके। ये स्टार्टिंग और रनिंग में कैपेसिटर लगाया रहता है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग की जो वायर है जैसे कि ये वाली स्टार्टिंग वायर है वाइट कलर वाली, इसमें कैपेसिटर की जो दो वायर है एक वायर इसमें लग जाएगी और एक वायर रनिंग वाले के साथ लग जाएगी, रेड कलर की वो जो वायर है वो रनिंग वायर मोटर से आई है और एक कैपेसिटर की तार रनिंग में लग गई और एक स्टार्टिंग में, दो वायर जो है ये वाइंडिंग से दो वायर जो आई है अलग से, ये वाली स्टार्टिंग और रनिंग की कॉमन वायर है फ्रेंड्स जो कि एक साथ कनेक्ट करके न्यूट्रल के साथ कनेक्ट है, ये यहाँ जो न्यूट्रल है इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अभी फ्रेंड्स हमने इसके कनेक्शन कर लिए और अब हम इसको ऑन करके देख लेते कि इसका अभी हवा किस साइड दे रहा है। ये जो स्क्रू है ये हम इसका लगा देते हैं। ये ऐसे करने की जरूरत क्यों पड़ती है फ्रेंड्स, जहां हमको क्या है कि जो हमारा हम दीवार में होल मार के एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं वहां क्या है कि जो एग्जॉस्ट फैन है वो रूम के अंदर मोटर नहीं दिखाई दे, उस मोटर को हम दीवार के अंदर ही अंदर की साइड होल में कर देते हैं, इसलिए उस टाइम ये वाले कनेक्शन हमको करने पड़ते हैं। तो ये हमने इसमें लगा लिया है और अब हम इसका ऑन करके देख लेते हैं इसको। ये फ्रेंड्स अभी देखेंगे तो जो ये कपड़ा है ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये देखिए इस साइड कोई इसका एयर जो है नहीं फेंक रहा सामने की साइड, और अब हम इसको उल्टी साइड में देख लेते हैं यानी कि पीछे की साइड में, पीछे की साइड में जो कपड़ा लगाएंगे ये देखिए फ्रेंड्स अभी जो है इसका एयर प्रेशर है जो एयर दे रहा है ये पीछे की साइड दे रहा है, ये बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है फ्रेंड्स, ये देखिए अभी सामने से एयर को खींच रहा है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमने क्या किया, पहले तो हमने ये जो ब्लेड है एग्जॉस्ट फैन के जो ब्लेड है उनको उल्टा लगाया, घुमा करके लगा दिया, उसके बाद जो इसके कनेक्शन थे वो हमने चेंज कर दिए, यानी कि अभी पहले ये क्या था जब इसको ऑन करते थे ये देखिए ऑन करते थे ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, अभी ये हमने इसके जो कनेक्शन किए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूमेगा और ये जो ब्लेड को उल्टा लगाएंगे तभी ये पीछे की तरफ हवा देगा, अगर हम इसको ब्लेड को उल्टा लगा देंगे और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये हवा जो है वो कौन सी साइड किसी साइड नहीं देगा, यानी कि न तो पीछे की साइड देगा और न आगे की साइड। तो ओके फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।